बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद परवीन। मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी होममेड पोटैटो स्माइली की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आलू को बॉयल कर लीजिए और उनके छिलके उतार लीजिए और अब इसमें इसके बाद इसे मैश कर दें। पोटैटोज मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिए, मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। और अभी इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर भी मैंने हाफ टी स्पून ही ऐड की है। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, कॉर्नफ्लोर और पोटैटोज और बाकी सारी चीज़ें। और अब इसी तरह से आप इसे इस तरह से प्लास्टिक रैप में रख के आप इसे बेलिए। प्लास्टिक रैप में रखने का ये इसका फ़ायदा होता है कि ये बाकी आपकी वर्किंग एरिया पे चिपकता नहीं है और मैस क्रिएट नहीं होता, बड़ी नीटली आपका ये सारा काम हो जाता है। ये देखें, ये हमने सब कर लिया है, अच्छे से इसे बेल लिया। अभी इसके ऊपर से प्लास्टिक लेयर हमने उतार ली है ऊपर वाली। और अब हम ऑयल गरम करेंगे, ऑयल प्री हीट के लिए हमने रख चुके हैं। और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये मेरे पास मोल्ड है हार्ड शेप का भी, इस तरह से वो जो राउंड शेप होते हैं सर्कल में वो भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे हार्ड शेप में मिला था तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। और इसके अलावा राउंड शेप में अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो ये आप हाथों से दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। कोई सी भी जार का कैप ले लीजिए, उससे भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखिए, मेरे पास सर्कल के लिए भी मोल्ड है, लेकिन इसके अंदर जो स्माइली होगी वो मैं फिर खुद बना लूँगी। ये बहुत ईजीली बन जाते हैं। अब ये देखें, मैंने स्पून से इसकी स्माइली बनाई है इस तरह से, क्योंकि अगर आपके पास मोल्ड नहीं भी हो तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से ये बनती है। और स्ट्रॉ के साथ मैंने इसकी आइस बना ली हैं। प्री हीट के लिए हमने ऑयल रखा था, ये अच्छे से अब हीट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्माइलीज। इनको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए, जब इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो आप इनको रिमूव कर लीजिए ऑयल में से। ये इनका कलर होना चाहिए, देखिए कितने अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। और आप ये सर्व करें तो बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं और ये टी टाइम स्नैक्स भी बहुत अच्छे हैं ये, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। इन्ग्रीडियंट्स भी बहुत थोड़े हैं इसमें, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में बहुत ही मज़े की ये स्माइली तैयार हो जाती है। तो होममेड पोटैटो स्माइलीज आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।